हेलो डियर स्टूडेंट्स, एज यूजुअल आई एम नवनील गौड फ्रॉम टैगोर स्कूल पर्वत सर एंड वी आर स्टडिंग अवर सोशल स्टडीज बुक ऑफ क्लास सेवन्थ इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी सेवन्थ क्लास की सोशल स्टडी बुक। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दिस बुक इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। ये बुक जो है सोशल स्टडी की, ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज हिस्ट्री, सेकेंड पार्ट इज जियोग्राफी एंड थर्ड पार्ट इज पॉलिटिकल साइंस। वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट लेसन फ्रॉम हिस्ट्री पार्ट। हम लोगों ने हिस्ट्री के जो पार्ट में से फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर लिया था एंड वी हैव कंप्लीटेड वन लेसन फ्रॉम जियोग्राफी पार्ट। और हम लोगों ने जियोग्राफी का जो पार्ट था उसमें भी वन लेसन कंप्लीट कर लिया था। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट लेसन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और अब हम आज के वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट लेसन पॉलिटिकल साइंस का, यानी राजनीति विज्ञान का। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू यूज ए सेपरेट नोटबुक फॉर दिस पार्ट ऑफ दिस बुक। इस बुक का ये जो पार्ट है पॉलिटिकल साइंस, इसके लिए आपको सेपरेट नोटबुक यूज करनी है। You have used two notebooks for history and geography already. पहले से ही आप लोगों ने two notebooks use कर ली है, कर रहे हैं। One notebook आपने history के लिए use की है, second notebook आपने geography के लिए use की है। Now you use a new notebook for political science। और आपको अब जो तीसरी notebook use करनी है उसमें subject का नाम आप एसएसटी और ब्रैकेट में पॉलिटिकल साइंस लिखेंगे। हर एक नोटबुक में आपको एसएसटी के ब्रैकेट में हिस्ट्री लिखना है, यहां पर इस नोटबुक में आपको एसएसटी के ब्रैकेट में जियोग्राफी लिखना है, यहां पर आपको एसएसटी के ब्रैकेट में पॉलिटिकल साइंस लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट लेसन ऑफ पॉलिटिकल साइंस टूडे। आज हम पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट लेसन ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज ऑन इक्वलिटी, समानता पर। इक्वलिटी मीन्स होती है समानता, ऑन का मतलब होता है पर। इट इज द पॉलिटिकल साइंस पार्ट ऑफ दिस लेसन, ये पॉलिटिकल साइंस पार्ट है इस लेसन, इस बुक का। एंड द फर्स्ट लेसन, इट इज द फर्स्ट लेसन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये फर्स्ट लेसन है पॉलिटिकल साइंस का। विच नेम इज ऑन इक्वलिटी, जिसका नाम है ऑन इक्वलिटी, यानी समानता पर। दिस लेसन इज रिटन ऑन द इक्वलिटी, ये जो लेसन है वो समानता पर लिखा गया है कि भारत में लोगों को समानता का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन क्या सभी लोग समानता रखते हैं, क्या लोगों को समानता का अधिकार वास्तव में प्राप्त है, और इसी तरह की समानता की जो बातें हैं वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। लेसन को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप जानते ही हैं, हर लेसन के अंदर प्रवेश करते समय स्टेपिंग इन, यानी अंदर प्रवेश करना, अंदर प्रवेश करने के लिए हर लेसन में हमें कुछ नॉलेज, कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है, कई बार कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि उस लेसन के बारे में हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर बन सके, एक इमेजिनेशन बन सके, कल्पना बन सके कि हम किस तरह का लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्टेपिंग इन यानी अंदर प्रवेश करना, अंदर प्रवेश करें। बिफोर वी स्टार्ट द लेसन, इससे पहले, बिफोर यानी इससे पहले कि हम ये लेसन स्टार्ट करें, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करें, गिवन बिलो, जो दिए गए हैं नीचे, टू चेक योर आईक्यू, आपका आईक्यू चेक करने के लिए। आईक्यू का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट क्वोशेंट, यानी आप कितने जानकारी रखते हैं इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक के बारे में, इस इक्वालिटी के बारे में आप कितनी जानकारी रखते हैं, वो आपका आईक्यू होता है। आईक्यू एक शॉर्ट फॉर्म है, आईक्यू का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस क्वोशेंट, यानी आप में कितनी बुद्धिमत्ता है, कितनी जानकारी आप रखते हैं, वो आपका आईक्यू होता है। आईक्यू लेवल होता है हर एक का अपना अपना, तो अपना आईक्यू
चेक करने के लिए नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर दीजिए। ऑन इक्वालिटी, इक्वालिटी पर आपका कितना आईक्यू है, एंड डिग्निटी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, डिग्निटी का मतलब होता है गौरव या सम्मान। समानता और सम्मान के ऊपर आप कितना नॉलेज रखते हैं, इसको जानने के लिए नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन यहां पूछा गया है, राइट अबाउट, लिखिए अबाउट वेरियस काइंड्स, जो अलग अलग प्रकार हैं ऑफ इक्वालिटी, यानी समानता के, समानता के जो अलग अलग प्रकार होते हैं उनके बारे में लिखिए। यू फील, जो आपने फील किए हैं, जो आपने महसूस किए हैं कि समानता किस किस प्रकार की समानता हो सकती है, उसके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं वो आप लिखिए। आर इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, और जो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी समानता के वो प्रकार जो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, ये कुछ प्रकार आप लिखिए समानता के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। तो यहां पर हम इस क्वेश्चन को रिटर्न में नहीं करेंगे, ये केवल पूछे गए हैं। मैं थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूंगा इन क्वेश्चंस के बारे में कि समानता के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। देखिए, एक तो समानता होती है जो हमारे पास में है, हर एक व्यक्ति के पास में वोट देने का अधिकार सबको है, तो ये एक समानता है सभी में। लेकिन बहुत सारी समानताएं हैं जो नहीं है, जैसे कमाई की समानता, अर्निंग की इक्वालिटी, यानी समान सब में जो इनकम है सबकी, जो कमाई है वो समान नहीं है, अलग अलग स्तर पर लोग रहते हैं। भोजन के रूप में समानता होनी चाहिए, सबको अच्छा भोजन मिले इसकी समानता होनी चाहिए। इसी तरह शिक्षा में भी समानता होनी चाहिए, शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों की समानता होनी चाहिए, और इसी तरह कमाई के अवसरों की समानता होनी चाहिए। जो समाज में सम्मान जो मिलता है, डिग्निटी यानी सम्मान जो मिलता है, उसकी समानता होनी चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए। तो ये कुछ समानताएं हो सकती है, ये समानता के कुछ प्रकार हो सकते हैं, तो ये यहां पर हमने डिस्कस किया है इसके बारे में। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर कैन वन अपील, वेयर यानी कहां, कैन यानी सकता है, वन यानी कोई भी एक व्यक्ति, अपील यानी निवेदन, या अपील किसको कहते हैं कि निवेदन ही कह सकते हैं हम, कि कोई कहां निवेदन कर सकता है, अपील कर सकता है। इन केस ऑफ वॉयलेशन, वॉयलेशन का मतलब होता है उल्लंघन, उल्लंघन के केस में, उल्लंघन की स्थिति में, किसके उल्लंघन की, ऑफ राइट्स यानी अधिकारों के उल्लंघन की, प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान होता है, संविधान के द्वारा जो प्रोवाइड किए गए हैं जो राइट्स यानी अधिकार, जो अधिकार, जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइडेड हैं, जो अधिकार संविधान के द्वारा प्रोवाइड यानी दिए गए हैं, उनका अगर वॉयलेशन होता है, उनका अगर उल्लंघन होता है, कोई छीनता है हमारे अधिकारों को, तो कोई आदमी कहां पर, इस केस में कोई कहां पर अपील कर सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस स्थिति में जब कोई संविधान के द्वारा दिए गए जो राइट्स हैं आपके, जो अधिकार हैं, उनका अगर कोई वॉयलेशन करता है, कोई उसका उल्लंघन करता है, तो हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, हम न्यायालय में निवेदन कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं, न्याय मांग सकते हैं, हम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके अलावा पुलिस भी है, पुलिस थाने होते हैं, वहां पर हम अपील कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अलग अलग कई ऐसे मंच बने हुए, फोरम बने हुए हैं, अगर हम उपभोक्ता हैं किसी चीज के और हमारे साथ में हमें हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो हम कंज्यूमर फोरम यानी उपभोक्ता मंच में अपील कर सकते हैं। तो अलग अलग अधिकारों का अगर वॉयलेशन होता है, किस प्रकार के राइट का वॉयलेशन हो रहा है, किस प्रकार के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, उसके आधार पर सरकार ने अलग अलग प्रकार की अपील की बेंचेज बना रखी है, अपील करने के स्थान बना रखे हैं। और अगर हमें कोई दूसरी जगह नहीं पता, तो हम सीधा सीधा न्यायालय में अपील कर सकते हैं,
कोर्ट में हम अपील कर सकते हैं अपने अधिकारों को लेकर के। तो यहां पर दो क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल, क्या आप याद कर सकते हैं एनी इंसिडेंट, कोई घटना, क्या आपको कोई घटना याद आती है इन योर लाइफ, तुम्हारे जीवन की या तुम्हारे जीवन में, व्हेन यानी जब योर डिग्निटी तुम्हारा आत्मसम्मान वॉज वॉयलेटेड, उसका उल्लंघन किया गया था, क्या आपको कोई ऐसी घटना याद आती है अपने जीवन की जहां पर आपका आत्मसम्मान उल्लंघन किया गया था, आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई गई थी, आपके सम्मान का निरादर किया गया था, क्या आपको अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद आती है? तो अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो आपको जरूर याद आएगी। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ ही नहीं है कि उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई गई हो, उसकी डिग्निटी का वॉयलेशन किया गया हो, तो फिर घटना अगर हुई नहीं है तो कैसे याद आएगी। लेकिन यहां पर इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूं कि इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। यहां पर यह पूछा गया है कि क्या कभी आपके जीवन में ऐसी कोई घटना हुई है जहां पर आपके डिग्निटी को, आपके आत्मसम्मान को वॉयलेशन किया गया हो, उसका उल्लंघन किया गया हो। और फिर लास्ट में पूछा गया है, हाउ डिड यू फील, आपने कैसा फील किया अबाउट इट, इसके बारे में, यानी जब आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई गई, कभी अगर ऐसा हुआ है तो आपको कैसी फीलिंग हुई, कैसा आपने सोचा इसके बारे में, कैसा लगा आपको, कैसा फील किया। तो यहां पर ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। यू डोंट नीड टू डू दीज क्वेश्चंस इन रिटर्न वर्क, आपको रिटर्न वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है इनको, लेकिन ये क्वेश्चंस इसीलिए यहां पर पूछे गए हैं कि ये लेसन किसके बारे में है। इसकी एक कल्पना हमारे माइंड में आए, हम विषय के अंदर उतरें, तो यहां पर इन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोगों को ये ध्यान में आता है कि इस लेसन में हमें कुछ अधिकारों के बारे में बताया जाएगा, समानता यानी इक्वालिटी, और डिग्निटी यानी आत्मगौरव, आत्मसम्मान के अधिकार क्या हैं, कोई हमारे अधिकारों को किस तरह से हनन कर सकता है, या ऐसे कुछ लोगों के बारे में भी हमें बताया जाएगा, कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताया जाएगा जहां लोगों को इक्वलिटी नहीं मिली, समानता नहीं मिली, या उनको उनकी जो डिग्निटी थी, उनका जो आत्मसम्मान था, उसको चोट पहुंचाई गई। तो इस तरह ये जो दो पॉइंट है, इसके बारे में इस लेसन में हमें कई जानकारियां दी जाएगी, जो कि दो पॉइंट कौन से हैं, एक तो इक्वलिटी यानी समानता, और दूसरी चीज है डिग्निटी यानी आत्मगौरव या आत्मसम्मान। तो आइए शुरू करते हैं लेसन को। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, भारत एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, भारत एक लोकतंत्र है। एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सभी जानते हैं, द की एलिमेंट्स यानी मूल तत्व ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक लोकतांत्रिक सरकार के जो की एलिमेंट्स होते हैं, जो मूल तत्व होते हैं, इंक्लूड उसमें शामिल क्या क्या शामिल होते हैं, इंक्लूड यानी उसमें शामिल होते हैं, पीपल्स पार्टिसिपेशन यानी लोगों का सहभाग या लोगों की सहभागिता, सरकार में लोगों की कितनी सहभागिता है, लोगों का कितना पार्टिसिपेशन है सरकार के अंदर, लोग कितनी मात्रा में लोगों को, उनको सहभागिता मिल रही है सरकार में। तो सरकार के जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, भारत में डेमोक्रेसी है, भारत में लोकतंत्र है, लोगों का शासन है, तो किसी भी डेमोक्रेसी में जो की एलिमेंट्स होते हैं, जो मूल तत्व होते हैं उसके, उसमें कुछ चीजें शामिल होती है, उसमें से एक चीज यह है कि लोगों का पार्टिसिपेशन कितना है सरकार में, एक तो ये चीज शामिल होती है उसमें, और द रेजोल्यूशन ऑफ कंफ्लिक्ट, कंफ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष, रेजोल्यूशन होता है संकल्प, यानी संघर्ष का संकल्प उसमें शामिल होता है, यानी संघर्ष कर सकता है हर व्यक्ति, या लोगों के लिए जो उस देश की सरकार है वो संघर्ष करेगी, इस तरह का एक संकल्प उसमें शामिल होता है सरकार के मूल तत्वों में। रेजोल्यूशन ऑफ कंफ्लिक्ट यानी
लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने का रेजुलेशन यानी संकल्प उसमें शामिल होता है, एंड इक्वेलिटी समानता उसमें शामिल होती है सरकार के जो मूल तत्व होते हैं उसमें, एंड जस्टिस, जस्टिस यानी न्याय, न्याय भी शामिल होता है सरकार के मूल तत्वों में। जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, उसके जो मूल आधार होते हैं उसमें ये सारी चीजें, जिसमें समानता है, न्याय है, संघर्ष के लिए, संघर्ष का संकल्प है लोगों के लिए, लोगों का पार्टिसिपेशन है यानी सहभागिता है लोगों की सरकार में, ये सारी चीजें सरकार, कोई जो भी लोकतांत्रिक सरकार होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, उसमें ये सारी चीजें शामिल होती है। इक्वालिटी इज ए बेसिक फीचर, समानता एक आधारभूत, बेसिक यानी आधारभूत विशेषता है। इक्वालिटी इज ए बेसिक फीचर, समानता एक आधारभूत विशेषता है ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की। समानता जो है वो एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही आधारभूत चीज है एक डेमोक्रेसी में। अगर किसी देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो वहां पर समानता बहुत ही जरूरी चीज है, ये बहुत ही बेसिक चीज है। एंड इट इन्फ्लुएंसेस, और ये इन्फ्लुएंस करती है, ये जो समानता है ये इन्फ्लुएंस करती है यानी ये प्रभावित करती है ऑल एस्पेक्ट्स यानी सभी पहलुओं को। किसके सभी पहलुओं को ये समानता प्रभावित करती है? ऑफ इट्स फंक्शनिंग। ये जो जो ये जिसकी बात हम कर रहे थे, किसकी? डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी की जो फंक्शनिंग होती है यानी लोकतंत्र की, लोकतंत्र किस तरह से काम करता है, फंक्शनिंग का मतलब है काम करने का तरीका। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की जो फंक्शनिंग होती है, जो कार्य कार्य प्रणाली होती है कि डेमोक्रेसी कैसे काम करती है, उसके जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जितने भी पहलू होते हैं, उसको समानता जो है वो इन्फ्लुएंस करती है, वो समानता उन सब पहलुओं को प्रभावित करती है। डेमोक्रेसी कितने प्रकार से काम करेगी, डेमोक्रेसी लोकतंत्र कैसे काम करेगा, उसके जितने भी आयाम होते हैं, जितने भी पहलू होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, उन सब को जो चीज प्रभावित करती है वो है इक्वालिटी यानी समानता। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल रीड, हम रीड करेंगे, हम पढ़ेंगे मोर अबाउट इक्वालिटी, इक्वालिटी के बारे में और ज्यादा। व्हाट इज इट, ये क्या होती है इक्वालिटी, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन ए डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी में ये इम्पोर्टेंट क्यों है, एंड वेदर और नॉट यानी ये है कि नहीं एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया, कि भारत में, इन इंडिया यानी भारत में इज इक्वल, एवरीवन इज इक्वल यानी हर कोई समान है कि नहीं, वेदर और नॉट यानी है कि नहीं, यानी भारत में हर कोई इक्वल है कि नहीं, ये सब बातें हम इस लेसन में पढ़ेंगे। अब पॉइंट जो आता है वो है इक्वल राइट टू वोट, वोट देने का समान अधिकार, इक्वल यानी समान, राइट यानी अधिकार, टू वोट यानी वोट देने का, वोट देने का इक्वल राइट यानी समान अधिकार। अभी वोट चल रहे हैं, ग्राम पंचायतों की वोटिंग चल रही है अभी गांवों में सरपंच के लिए, तो सभी लोगों को एक वोट देने का अधिकार है, भले ही वो किसी भी जाति का है, भले ही वो कितना ही पैसे वाला है या गरीब है, यानी किसी भी आधार पर कोई कितना ही आगे है या कोई कितना ही पीछे है, किसी भी आधार पर, जाति के आधार पर, संख्या के आधार पर, पैसे के आधार पर, जान पहचान के आधार पर, किसी भी आधार पर कोई व्यक्ति कितना ही ऊपर या नीचे है, लेकिन सबको एक वोट देने का ही अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई फलानी जाति के आदमी को दो वोट दे देगा और इस जाति का आदमी एक ही वोट देगा, या किसी आदमी के पास ज्यादा पैसे हैं तो वो चार वोट दे सकता है, कोई गरीब है तो एक ही वोट दे सकता, ऐसा कुछ नहीं है, सबको एक वोट देने का अधिकार है, ये इक्वल राइट यानी समान अधिकार है वोट देने का। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश में, सच एज इंडिया, जैसे कि भारत भी है एक लोकतांत्रिक देश, ऑल एडल्ट्स यानी सभी वयस्क, वयस्क एडल्ट कौन होते हैं, जो 18 वर्ष से ऊपर होते हैं, अबव द 18 से जो ऊपर उम्र के होते हैं, 18 वर्ष से ऊपर के लोग,
वयस्क कहलाते हैं हिंदी में, इंग्लिश में उसको अडल्ट कहते हैं। ऑल अडल्ट्स यानी जितने भी वयस्क होते हैं 18 वर्ष से ऊपर होते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, इररेस्पेक्टिव का मतलब होता है बिना इसकी परवाह किए, बिना इसकी परवाह किए, किन चीजों की परवाह किए, देयर रिलीजन उनके धर्म, बिना धर्म को, धर्म का संबंध रखते हुए, देयर लेवल ऑफ एजुकेशन उनकी शिक्षा का जो लेवल है, लोगों की शिक्षा का जो स्तर है उसका कोई, उसको कोई संबंध नहीं रखते हुए, देयर कास्ट उनकी जाति का कोई संबंध नहीं रखते हुए, एंड देयर फाइनेंशियल स्टेटस और उनका जो आर्थिक स्तर है, फाइनेंशियल स्टेटस यानी उनका, लोगों का जो आर्थिक स्तर है उसका कोई महत्व नहीं रखते हुए, आर अलाउड टू वोट, लोग ना हर अडल्ट जो है, सभी जो अडल्ट है उनको वो वोट करने के अलाउड है, यानी उनको वोट करने का अधिकार है, बिना इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए। इररेस्पेक्टिव जो शब्द आया है इसका मतलब है बिना इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, बिना कास्ट को महत्व देते हुए, बिना एजुकेशन के लेवल को महत्व देते हुए, बिना रिलीजन को महत्व देते हुए, बिना फाइनेंशियल स्टेटस को महत्व देते हुए, इररेस्पेक्टिव यानी इन चीजों का कोई उसमें रेस्पेक्टिव नहीं है, ये चीजें ये कहीं भी रेस्पेक्टिव नहीं है, यानी ये चीजें कहीं महत्व नहीं रखती है, और सब एडल्ट्स को, सभी वयस्क लोगों को वोट देने के लिए अलाउड हैं सभी एडल्ट्स। और ये जो सिस्टम है जिसमें सभी एडल्ट्स वोट देने के लिए अलाउड होते हैं बिना इनके भेदभाव के, बिना इन चीजों के भेदभाव के सभी एडल्ट्स वोट देने के लिए अलाउड है, ये जो सिस्टम है, दिस इज कॉल्ड, इसको कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल यूनिवर्स से बना है, यूनिवर्स यानी होता है ब्रह्मांड या विश्व, ब्रह्मांड कह दो, यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक यानी पूरे ब्रह्मांड में, अडल्ट यानी वयस्क, फ्रेंचाइजी यानी होता है मताधिकार, हिंदी में इसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी ये कहला, सब लोगों को समान रूप से वोट देने का अधिकार है, इस बात को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी इसको कहते हैं, एंड इट इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट, और ये एक जरूरी पहलू है, एसेंशियल यानी जरूरी, एस्पेक्ट यानी पहलू, और ये जो चीज है कि हर आदमी को, हर वयस्क को, हर अडल्ट को वोट देने का अधिकार है, ये एक एसेंशियल एस्पेक्ट है, ये जरूरी पहलू है ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, सभी लोकतंत्रों के लिए, दुनिया में जितने भी देशों में लोकतंत्र है उन सब में ये जरूरी है कि हर वयस्क को, हर अडल्ट को वोट देने का अधिकार मिल रहा है वहां पर, ये हर डेमोक्रेसी के लिए एसेंशियल है, जरूरी है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, ये जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का जो आइडिया है, ये जो विचार है, इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी, ये इक्वलिटी के विचार पर बेस्ड है, ये समानता के विचार पर आधारित है, ये जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का जो आइडिया है, वयस्क सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो आइडिया है, ये समानता के सिद्धांत पर आधारित है, ये इक्वलिटी के आइडिया पर बेस्ड है, बिकॉज क्योंकि इट स्टेट्स, ये जो अधिकार है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो ये कहता है, ये अधिकार ये कहता है, इट स्टेट्स यानी ये अधिकार कहता है दैट एवरी अडल्ट, कि हर वयस्क इज इन ए कंट्री, एक देश में यानी किसी भी देश में एक जो अडल्ट है, जो वयस्क है, इररेस्पेक्टिव, फिर वही शब्द आ गया इररेस्पेक्टिव, यानी बिना इसकी परवाह किए, ऑफ देयर वेल्थ, उनकी दौलत की परवाह किए बिना, एंड द कम्युनिटीज, और उस समुदाय की परवाह किए बिना, शी और ही बिलोंग्स टू यानी जिससे वह बिलोंग करता है, शी और ही यानी लड़का आदमी हो चाहे औरत हो,
जिस समुदाय से जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं, ये इररेस्पेक्टिव इसके, यानी इसके परवाह किए बिना, कम्युनिटी की परवाह किए बिना, उसकी वेल्थ यानी दौलत की परवाह किए बिना, हैज टू वोट, उसको उसको वोट करना है बिना उसकी वेल्थ की, इररेस्पेक्टिव हिज वेल्थ, यानी उसकी वेल्थ को इस इररेस्पेक्टिव रखते हुए, उसकी कम्युनिटी से जिससे वो बिलोंग करता है उसको इररेस्पेक्टिव रखते हुए, हैज टू वन वोट, हर एक को वोट करना है, ये इसमें कहा गया है। और इस तरह से सब लोगों को समानता का दर्जा दिया गया है, इक्वालिटी रखी गई है कि भले ही वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, भले ही वो उसके पास कितनी भी वेल्थ है, दौलत है, भले ही वो कितना ही एजुकेशनल उसका लेवल है, कितना ही वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, तो ये इस इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए, इररेस्पेक्टिव रखते हुए, हर एक को वोट देने का अधिकार है और इस तरह से सबको समान दर्जा दिया गया है। बट लेकिन इन रियलिटी, लेकिन वास्तव वास्तविकता में, लेकिन रियलिटी में यानी लेकिन वास्तविकता में इक्वालिटी हैज डिफरेंट मीनिंग, लेकिन वास्तव में इक्वालिटी यानी समानता रखती है कई प्रकार के अर्थ, लेकिन समानता के कई प्रकार के अर्थ हैं फॉर डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के लिए। केवल वोट देने की समानता ही मात्र समानता नहीं होती है, अलग अलग लोगों के लिए समानता के अलग अलग प्रकार के मीनिंग हैं, अलग अलग प्रकार के अर्थ हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी, अलग अलग प्रकार इक्वालिटी के, समानता के वेरियस फॉर्म्स यानी अलग अलग प्रकार। समानता कितने प्रकार की हो सकती है, कौन कौन से प्रकार की समानता होती है, अलग वेरियस जो फॉर्म्स हैं यानी अलग अलग जो रूप हैं समानता के, समानता के अलग अलग रूप। यहां पर पूछा भी गया था शुरू में कि राइट अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, कि इक्वालिटी कितने प्रकार की हो सकती है, तो वो अब यहां पर हम पढ़ेंगे कि वेरियस फॉर्म्स क्या होते हैं इक्वालिटी के, अलग अलग रूप समानता के क्या क्या रूप हो सकते हैं। देर आर मैनी पीपल, बहुत से लोग हैं, हु लिव इन इंडिया, जो भारत में रहते हैं, एंड हु हैव द राइट, और जो अधिकार रखते हैं टू वोट, वोट देने का। भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत में रहते हैं और वो वोट देने का उनको अधिकार है, बट हुज डेली लिविंग, लेकिन उनकी रोजाना की जो जिंदगी है, एंड वर्किंग कंडीशंस, और उनके जो काम करने की जो कंडीशंस हैं, स्थितियां हैं जिनमें वो काम करते हैं, सिग्निफिकेंटली यानी काफी, सिग्निफिकेंटली यानी काफी डिफरेंट यानी अलग हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। यानी भारत में बहुत सारे लोग रहते हैं, सबको वोट देने का अधिकार है, लेकिन उनके काम करने की स्थितियां जो है, वर्किंग कंडीशन यानी जिन कंडीशंस में वो वर्क करते हैं, वो अलग अलग है। उनकी जो रोजाना की जिंदगी है लोगों की, उनकी आपस में जिंदगियां अलग अलग है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, बीइंग पुअर यानी गरीब होना, बीइंग यानी होना, पुअर यानी गरीब, गरीब होने के अलावा, अपार्ट यानी होता है अलावा, फ्रॉम यानी से, गरीब होने से अलावा यानी गरीब होना, ये तो अलग है ही। अभी अलग कंडीशंस की बात कर रहे हैं हम कि लोगों में असमानता है, वोट देने का अधिकार है बहुत सारे लोगों को समान रूप से, लेकिन उनकी वर्किंग कंडीशंस में अलग अलग, उनकी वर्किंग कंडीशंस अलग अलग है और उनकी डेली लाइफ है वो भी अलग अलग है। गरीब होने के अलावा, गरीब होना तो एक अलग कंडीशन है ही भारत में, पीपल इन इंडिया, भारत में लोग एक्सपीरियंस यानी अनुभव करते हैं इन इक्वालिटी, असमानता, इन डिफरेंट अदर वेज, और भी कई प्रकार के दूसरे तरीकों से। गरीब होने के अलावा, गरीब होना तो अलग तरीका है ही असमानता का, गरीब होना तो उदाहरण है ही असमानता का, उसके साथ में और भी कई अदर वेज यानी कई और भी तरीके हैं अलग अलग, जिसमें कि लोग इन इक्वालिटी यानी असमानता को एक्सपीरियंस करते हैं यानी महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। द फॉलोइंग टू
स्टोरीज, नीचे दो कहानियां अपन पढ़ेंगे। दो कहानियां हैं दो लोगों की। गिवन बिलो जो नीचे दी गई है, विल हेल्प अस, वो हमारी हेल्प करेगी अंडरस्टैंड दिस मोर क्लियरली, इसको अंडरस्टैंड करने में मोर क्लियरली यानी ज्यादा साफ तरीके से, कि इन इक्वालिटी कैसी कैसी हो सकती है। असमानता केवल केवल गरीब अमीर की ही नहीं, वो भी एक असमानता है, लेकिन और किस किस तरह की असमानताएं इन इक्वालिटी हो सकती है। अभी दो कहानियां अपन पढ़ेंगे, दो स्टोरीज हम पढ़ेंगे, जो कि असमानता को ज्यादा क्लियरली उससे हम समझ पाएंगे। दो दीज आर रियल स्टोरीज, ये जो कहानियां हम पढ़ेंगे ये रियल स्टोरीज हैं, ये वास्तविक कहानियां हैं, कोई बनाई हुई कहानियां या केवल इमेजिन की हुई कहानियां नहीं है, ये रियल स्टोरीज हैं। एंड बोथ टेल अस, और ये दोनों ही कहानियां हमें बताती है ए लॉट, बहुत सारी चीजें अबाउट द डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग प्रकार ऑफ इन इक्वालिटीज, असमानता के अलग अलग प्रकार के बारे में ये दोनों कहानियां हमें बताती है, दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, जो भारत में एग्जिस्ट है, अस्तित्व में है। भारत में कई प्रकार की असमानताएं अस्तित्व में हैं, उसमें से कुछ असमानताओं के बारे में ये जो दो कहानियां अभी हम पढ़ेंगे वो हमें बताएगी। द कास्ट सिस्टम, जो जाति की व्यवस्था है, द कास्ट सिस्टम यानी जाति व्यवस्था इज वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स, ये एक सामान्य रूप है, वन ऑफ द, ये एक रूप है, द इज वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स, ये जो कॉमन फॉर्म्स है ऑफ इनइक्वालिटी यानी असमानता के जो रूप हैं उनमें से एक है, वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स, जो बहुत ही कॉमन फॉर्म्स है ऑफ इनइक्वालिटी यानी असमानता के जो साधारण रूप हैं, कॉमन यानी सामान्य रूप से जो असमानता के जो सामान्य रूप पाए जाते हैं भारत में, उसमें से एक जो है वो है जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम, फाउंड इन इंडिया, जो भारत में पाए जाते हैं, इन रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत में कास्ट आइडेंटिटी यानी जाति की जो पहचान है, कास्ट यानी जाति, आइडेंटिटी यानी पहचान, जो जाति की पहचान है, कास्ट आइडेंटिटी है, इज समथिंग, वो कुछ ऐसी चीज है दैट, जो कि पीपल यानी लोग प्रोबेबली यानी संभवतया लर्न यानी जान जाते हैं और एक्सपीरियंस्ड या अनुभव कर लेते हैं वेरी यंग यानी बहुत छोटी उम्र में। ग्रामीण भारत में, गांवों में जो ये कास्ट की आइडेंटिटी है, ये जो जाति की पहचान है किसी की, वो ये एक ऐसी चीज है गांवों में जिसको लोग बहुत ही वेरी यंग यानी बहुत ही छोटी उम्र में या बहुत ही जल्दी जान जाते हैं कि कौन किस जाति का है। ये गांव में ये मतलब बहुत ही शुरुआत में ही पता चल जाता है या लोगों को पता रहता है कि कौन किस जाति का है। हाउएवर, हालांकि इन अर्बन इंडिया, शहरी जो भारत है, गांव में ज्यादा है जाति पाति का मामला, आजकल कम हुआ है, लेकिन गांव में, रूरल इंडिया में, ग्रामीण भारत में ये जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट की जो आइडेंटिटी है, जो उसकी पहचान है, ये बहुत शुरुआत में ही लोगों को पता चल जाती है। लेकिन हालांकि इन अर्बन इंडिया यानी शहरी भारत में सम थिंक, कुछ लोग सोचते हैं दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट, कि लोग ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं कास्ट में, यानी शहरों में ऐसा कुछ लोगों को लगता है कि लोग ज्यादा कास्ट में बिलीव नहीं करते हैं, ऐसा शहरों में लगता है लोगों को, लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। गांव में अभी भी जो कास्ट सिस्टम है वो ऐसा ही है, और ये एक प्रकार की अनइक्वालिटी को पैदा करने वाला सिस्टम है। अब कास्ट सिस्टम एक व्यवस्था थी शुरू में, जब ये सिस्टम कभी शुरू हुआ होगा तो एक कोई व्यवस्था के लिए शुरू हुआ होगा, लेकिन बाद में कास्ट सिस्टम को जन्म से जोड़ दिया गया। शुरू में
जो जरूरी नहीं होता था कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही होगा, लेकिन बाद में उसको जन्म से जोड़ दिया। तो ये बाद में कुरीतियां आ गई। कास्ट सिस्टम जो शुरुआत में था वो वर्किंग के आधार पर था, कार्य के आधार पर। यानी किसी का भी लड़का कोई भी अगला दूसरा काम करने लग जाएगा तो उसकी जाति फिर बदल जाती थी, उसको उस जाति के नाम पे माना जाता था। लेकिन बाद में जन्म के आधार पर जाति की प्रथा शुरू हो गई। तो ये कास्ट सिस्टम में जो कुरीतियां आ गई बाद में, उसके कारण से कास्ट सिस्टम के कारण अनइक्वालिटी पैदा हो रखी है, एक असमानता पैदा हो रखी है, क्योंकि कास्ट सिस्टम को जन्म से जोड़ दिया गया। तो ये यहां तक आज हमने पढ़ा है। वी विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम ये कहानियां पढ़ेंगे। यहां पर जो अभी बात आई थी कि दो कहानियां हैं, दो कहानियां हम लोगों को पढ़ने को मिलेगी और उनके थ्रू हम लोगों को जानने को मिलेगा कि कैसे कास्ट सिस्टम के कारण लोगों को अनइक्वलिटी महसूस करनी पड़ती है, असमानता महसूस करनी पड़ती है। तो ये दो कहानियां अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कास्ट सिस्टम या रिलीजन के कारण अनइक्वलिटी असमानता किस तरह पैदा होती है, इसके बारे में दो स्टोरीज जो रियल स्टोरीज हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे। टाइम इज ओवर ऑफ टूडेज वीडियो। एक्चुअली आज के वीडियो का टाइम जो है वो ओवर हो गया है, सो वी हैव टू फिनिश द वीडियो। इसलिए आज का वीडियो हमें फिनिश करना होगा, बट वी विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस लेसन। इस लेसन के लिए हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे। प्लीज स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द न्यू वर्ड्स। एक तो आप नए वर्ड्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ट्राई टू लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ न्यू वर्ड्स। जो नए नए वर्ड्स आते हैं, मैं एक एक वर्ड की स्पेलिंग, एक एक वर्ड का अर्थ बताता हूँ मैं। जब आपको मैं इसका मीनिंग बताता हूँ तो एकदम हर एक वर्ड का मीनिंग बताने की कोशिश करता हूँ, अर्थ बताने की कोशिश करता हूँ। तो नए जो वर्ड्स आते हैं उनको आप अपनी रफ नोटबुक में लिख करके लर्न करना चाहिए आपको उनकी स्पेलिंग्स। और अगर कोई वर्ड छूट जाता है तो आप मुझे स्पेशली पर्सनली भी पूछ सकते हैं मैसेज करके। लेकिन जो वर्ड्स आते हैं उनको अगर आप लर्न करते गए, अगर आप उनको अंडरस्टैंड करते गए, तो धीरे धीरे आपकी जो वोकेबुलरी है, आपकी जो शब्द कोश है इंग्लिश का, वो इम्प्रूव होता जाएगा, एनरिच होता जाएगा और आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा। इसलिए इस बात पर ध्यान रखें कि जो भी न्यू वर्ड्स आते हैं उनको आप उनकी स्पेलिंग लर्न करने की कोशिश करें, उनका अर्थ क्या है, उनका मीनिंग क्या है वो आप समझने की कोशिश करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।